जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है। इसने भारतीय वायुसेना भर्ती अधिसूचना 2019 जारी की है। समूह एक्स और वाई के लिए भारतीय वायुसेना परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी, इसलिए परीक्षा की तैयारी शुरू करने का सही समय है। भारतीय वायुसेना भारतीय रक्षा बलों से संबंधित वायुसेना है जो युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। परीक्षा के लिए विषयों की उचित समझ की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना पाठ्यक्रम इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई सिलेबस इन हिंदी का यह लेख आपको अंग्रेजी, भौतिकी, गणित, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे विषयों की जानकारी देगा। इंडियन एयरफोर्स सिलेबस के बारे में जानने से पहले परीक्षा पैटर्न व चयन के प्रक्रिया में जाने। परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। चरण एक उद्देश्य परीक्षण, चरण दो शारीरिक स्वास्थ्य योग्यता परीक्षण, चरण तीन चिकित्सा परीक्षण। चरण एक परीक्षा तीन प्रारूपों में होती है। पहला ग्रुप एक्स, दूसरा ग्रुप वाई, तीसरा दोनों ग्रुप एक्स और वाई। अगर आपने पहला ग्रुप एक्स ले रखा है तो आपको अंग्रेजी, भौतिकी और गणित का प्रश्न पत्र मिलेगा जिसकी अवधि 60 मिनट की है और आपको इसमें 12 पास होना अनिवार्य है। अगर आपने ग्रुप वाई का चयन किया है तो आपको अंग्रेजी, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता का पेपर मिलेगा जिसमें आपकी समय सीमा 45 मिनट की है और इसमें भी आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आपने दोनों परीक्षा का आपने चुनाव किया है तो आपको पांचों विषय मिलेंगे जो जिनके नाम है अंग्रेजी, भौतिकी, गणित और तर्क और सामान्य जागरूकता। यदि आप पहले राउंड को क्वालिफाई करते हैं तो आपका चरण दूसरी परीक्षण के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक नया एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। चरण दूसरे परीक्षा में शारीरिक स्वास्थ्य क्षमता इसमें शामिल होगी जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी जिसमें 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स होंगी। अगर आप दूसरा चरण आप पूरा कर लेते हैं तो तीसरा चरण आईएफ मानकों के अनुसार आपको चिकित्सा परीक्षा और अन्य परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का डिटेल सिलेबस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है, आप कृपया करके उसको डाउनलोड करके सिलेबस के बारे में। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए मैं डेलीज वीडियो दूंगा जिसमें जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, इंग्लिश का टॉपिक, फिजिक्स का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक और रीजनिंग का टॉपिक आपको प्रतिदिन प्राप्त होगा, जिसमें आपको सितंबर 11 से लेकर सितंबर 21 तक मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली देखना है। अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली देखेंगे तो परीक्षा में कम से कम 70% आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं जितने भी आपको वीडियोस दूंगा वो सारे आपके पिछले मॉडल टेस्ट पेपर और सैंपल पेपर पे बेस्ड होंगे। कृपया करके आप मेरे चैनल द रीजनिंग एरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। कृपया करके बेल आइकन जरूर दबाइए और स्टिडा रीजनिंग एरा के साथ जुड़े रहिए।